बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमीरा जी, आपसे खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। और आज आगे जी हमारी छत का सामान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और रान के पास हूं, आराम से एक बार जब फोन पे बात कर रहे थे वो रंधे वाले से ना, जिस ये पत्थर जो है ना, ये पत्थर कहते हैं ना इसे, हाँ ये पटिया जो छत पे लगानी है पत्थर, इस कमरे पे जो है ना वो लकड़ियों की लकड़ी की छत डलवा रहे हम लोग। तो ये आप ये करीब आगे दिखाओ, मैं एक बात में जरा करीब आगे दिखाऊँ। ये देखें जी, ये वाली जो छत, ये जो पट्टियाँ ना, ये रंधे के बगैर है। तो ये मैंने कहा कि अच्छी नहीं लग रही, आप रंधा फिर के ये हो गई, आप खुद फैसला करें। मैंने कहा था इकबाल साहब से, तो कहते हैं कि नहीं ठीक है, ऐसे चाहिए, कौन सा परमानेंट है। देखिए परमानेंट तो नहीं है, लेकिन तो थोड़ा पतली हो गई है। ऐसा भी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई साल दो साल में चेंज कर लिया। देखो ना कितनी पतली हो, अल्लाह के घर में कमी कोई नहीं है। ये मेरा कसूर नहीं है ना, नहीं नहीं कसूर नहीं, ये मेरा कसूर नहीं है ना। ये फिर आपने पहले मोटा बनवाना था, कोई नहीं अल्लाह मालिक। हमने कौन सा छत पे जाके चढ़ के सोना कर लिया, इस पे इतनी आमदोरफ तो होनी नहीं है, साइड पे होना ना ही, हमें सीढ़ियाँ बनानी है। चलो अल्लाह बेहतर करेगा, शुक्र है कि इन्होंने मेरी बात मान ली। तीन चार दिन से यही बहस चल रही थी कि ये ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। जिनसे कटवाए गए लकड़ियाँ उनसे नहीं रंधा फिरवाया, ऐसे ही लेके आ गए थे। वो कहते हैं कोई आजकल फिरवाते ही नहीं रंधा, आजकल कोई डालते ही नहीं है। सीधी सी बात है, आजकल नहीं डालते हैं, छतें लकड़ी की डालते हैं, लोग लकड़ी की डालते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी रंधा कोई नहीं लगवाते। असल में ना बात ये है कि उसने इतना अच्छा ये दिया नहीं है पत्थर, इसलिए उसने रंधे से जान चढ़ाई। वरना उन्हें उसने पैसे लेने थे, पैसे कौन छोड़ता है, जिसकी जिसकी बात है। ये उसने पट्टियां इतनी अच्छी काट के दी नहीं है सफाई में, इस वजह से उसने नहीं वो कर दी। चले जी, जो नसीब में था बस हो गया, कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे। अभी हम शरीफ की शादी करेंगे ना, फिर ऊपर वाला पोर्शन देना अच्छा सा करके बनाएंगे। लेकिन अल्लाह के घर में कभी कोई नहीं जी, कोई पता नहीं, अल्लाह तला उससे पहले ये अता करे और हम इसको भी सारा जो है वो बना ले। मगर ये है कि हम लोग आती हैं खुले घर के, ओपन सेन में रहने वाले, तो हमारा इस माहौल के बगैर गुजारा नहीं है। तो नीचे हमने बना लिया है इस दौर के मुताबिक, तो मगर ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि रहना हमें यही पड़ेगा। नीचे जो है ना वो ज़रूरत के तहत ही जाएंगे बस, बाकी ज़्यादा टाइम हमारा यहीं गुजरा करेगा। और अवैध अदर की रेत अभी तक बरकरार है, अवैध अदर को अभी और मौका मिल गया रेत में। रफ कपड़े पहन के रखता है, इसलिए मामा मुझे डांटे ना कि कपड़े गंदे कर रहे हैं। ये ट्रक दिखाना अपना, ये लोडर जो है ना, ये जब कराची गया था तो वहां से भी ये लोडर ही लेके आया। किसको इसी तरह के खिलौने पसंद है, ट्रक पे ट्रालियां लोडर वगैरह। चलो जी ठीक है, ये जो कांडियां ना, ये मेरा बेटा निकाल लेना, पहले भी आपने एक दफा पापा की गुम कर दी थी, वो बड़ी कांडी इसने गुम की थी, तो आप नहीं ऐसे कहीं रेत में घुसा दी इसने पापा की, वो आज तक मिली नहीं। वो ये काका इसमें खेलना नहीं होता, इसीलिए ये दूसरा वो खेलता है, उसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, वो मट्टी में खेलता है। इकबाल साहब चले गए जी थी, वो वाले जो है वो वाले ने दलवाने चला गया हूँ अड्डे पे। तो मिस्त्री भाइयों को मैं कहा कि क्यों, इधर तीन फुट का रोशना रखना और इधर एक फुट मुरब्बा का, ठीक है। तो फिर वो भूल गए हैं, तो देखो अभी अभी मैं खुद एक बार साहब को तो वो निकाल देता हूं, गीली गीली ईंटें ताकि जो है ना परेशानी ना बने, फिर सुबह फिर वो लगाएंगे सही, क्योंकि फिर सूख जाएंगे ना, फिर मुश्किल हो जाएगी, सूख जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इधर बाथरूम बनना है आने वाले वक्त में, तो उसमें भी रोशनदान चाहिए, और उधर जो है वो कमरे की वेंटिलेशन के लिए जो चाहिए, तो दो रोशनदान कहे थे मगर वो भूल गए शायद। अभी एक बार साहब कहते हैं कि ये अभी गीली गीली है, तो अभी इस तरह निकाल देते हैं। तो मैंने कहा पापा ये ना हो गीली गीली को, हमारे तो ऊपर वाले भी सारी हिल गए। चलो फिर कुछ होगा ही, काम बढ़ाया ना दीदी को। इनको सिर्फ हिलाएंगे ना, जरा लूज कर देंगे, निकालना तो नहीं है ना। थोड़े दिन जो रह गए जी मेहमान में ही ना, चंद दिन की बात है, फिर ये रौनकें जो है ख़त्म हो जाएंगी, जो हर रोज़ हर घर में लगी होती है माशाल्लाह से। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ जी पकौड़े, क्योंकि मैं फातिमा को कल पकौड़े बड़े पसंद आए थे। आज वैसे मैंने थोड़ी सी अफ्तारी की तैयारी थोड़ी सी कम की है, आज फ्रूट चाट नहीं बन रही है, आज बस मैंने थोड़ी सी बनाई चना चाट। आज मैं बना रही हूँ खाने में रोटी,
दाल चावल, क्योंकि दाल चावल बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। अभी पता नहीं क्या करते हैं, इनकी आदत सी बन गई हुई है कि ये अफ्तारी में ना रोटी खाते ही नहीं है बिल्कुल। तो आज मैंने दाल चावल बनाया, मैंने कहा हो सकता है दाल चावल जो है ना वो खा ले। कितना रौनक और हसीन महीना होता है ये, एक तो इबादत, ऊपर से सहरी अफ्तारियों की रौनकें, और फिर ईदी, किसी की ईदी आ रही है, किसी की जा रही है, किसी की ससुराल से आ रही है, किसी के मायके से आ रही है, माशाल्लाह रौनकें ही रौनकें होती हैं। अल्लाह पाक हर किसी को खुशियां नसीब करे, खुशियों भरी ईद नसीब करे। और मेरी वो प्यारी प्यारी बहनें जो मेरा चैनल देखती हैं और इतने प्यारे कमेंट करती हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं अगले दिन फिर वीडियो बनाऊँ। अल्लाह पाक उनको जजा दे, उनको खुशियाँ दे, उनकी ईद जो है वो खुशियाँ भरी हो, वो लाखों साल जिए। मेरी अपने परवरदिगार से दुआ जी, अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों लाखों प्यारी प्यारी ईदें नसीब करे, खुशियों भरी ईदें नसीब करे। और आज सब बताया करें कि आप सब की ईद की तैयारी हो गई है या नहीं हुई है। मेरी तो भाई अभी तक चल रही है, बट लड़कों के तो मैंने रेडीमेड इस तरह के कपड़े लिए हैं। वैसे मेरा जेहन बन रहा है, कुछ मैंने ना पीस लेके रखे हुए थे, तो अगर मुझे टाइम मिला ना तो मैं उनके रातों रात, किसी दिन रात को हिम्मत हुई ना बैठने की, तो मैं उनकी सिलाई कर लूँगी। क्योंकि नमाज के टाइम पे ना, ईद की नमाज के टाइम पे शलवार कमीज ही अच्छी लगती है, और बच्चे इस बात को नोट भी कर रहे हैं कि मम्मा इस दफ़ा शलवार कमीज नहीं है। तो अगर टाइम मिला तो मैं उनके वो कर ही लूँगी सिलाई, अगर मुझे पीस मिल गए तो। बाकी जी इकबाल साहब का तो ज़ाहिर है टेलर ने सिलाई करना है, अल्लाह करे वो टाइम पे आ जाए। क्योंकि टेलर से जब आता है तो इकबाल साहब दुलवा के पहनते हैं, उनको तसल्ली नहीं होती है कि ज़ाहिर बात है टेलर पाँव भी रख देते हैं ऊपर, या जो भी है नमाज पढ़नी होती है, आपको पता है कि बड़े वहम ही होते हैं इस तरह नमाज के जो पाबंद लोग होते हैं ना, इकबाल साहब खासतौर पर बहुत वहमी है। और एहतियात करनी भी चाहिए हमें, इसलिए फिर वो सूट मैंने धोना होता है फिर प्रेस करना होता है। तो अगर सूट आए चांद रात को तो आप उस सोचें मेरे लिए कितनी बड़ी टेंशन, उस दिन तो मेरी बहुत मसरूफियत होती है। इसलिए टेलर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी दे दें, ताकि मैं एक बार सबका सूट जो है ना प्रेस करके जल्दी रख लूँ। इस तरह वैसे हमारे पास सेफ भी नहीं है जिसमें हम प्रेस करके कपड़े निकलवा सकें। पकौड़े बनाते बनाते जितनी तेज हवा शुरू हो गई है ना, मेरा दो दफा चूल्हा जो है ना वो बंद होते होते बस बचा और बाहर आ गई तो मेरी इन्हें मिली है। आई ताजी है ना, कल आपने सही लगा। पकौड़े की माशाल्लाह बड़े ही जबरदस्त खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मेरी उन बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहन बारिक जो बहन भाई मुझे मकान की मुबारक हमें देते रहते हैं उनका बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआ है कि परवरदिगार सबको अपने प्यारे प्यारे उनके सपनों के मुताबिक घर जो है वो नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक ने हम पे भी अपना कर्म किया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिनके घर नहीं है अल्लाह पाक उनको भी जरूर देंगे अपने प्यारे हबीब के सदके और इस मुबारक महीने की सदके। इफ्तारी हमारी हो गई है जी, और इकबाल साहब अभी पहुंचे हैं, और मैंने तो आज किचन में रोज़ा इफ्तार किया। महक फातिमा अभी तक कितने बेटा आ जाओ फातिमा, बाद में काट लेना एप्पल, आ जाओ टाइम थोड़ा रह गया। आप ऐसे बैठोगे इफ्तारी टाइम? देखो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ हैदर। चले जी ठीक है, फिर बहन भाइयों से इजाजत ले लें, मिलेंगे इंशाल्लाह कल। तो इकबाल साहब ऐसे कह रहे हैं किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ, जैसे इकबाल साहब ही व्लॉग बनाते रहते हैं, टाइम हमें देते नहीं है व्लॉग के लिए। चले कोई नहीं, दिन थोड़े रह गए, इंशाल्लाह काम हमारा निबट जाएगा, फिर हम होंगे, इकबाल साहब होंगे और आपका साथ होगा, और वीडियो अच्छी अच्छी आएंगी इंशाल्लाह। तो हमें याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।